तो भाई लैपटॉप 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 कितने से स्टार्टिंग हो जाती है लैपटॉप की, सर से पूछ लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैकबुक प्रो ये ले लीजिए, मैकबुक प्रो 9000 रुपए का मैकबुक प्रो, 9000 रुपए मैकबुक प्रो, 8000 में मैकबुक प्रो 3.3 इंच स्क्रीन ये लीजिए। अरे भाई क्या बात है, 7000 का मैकबुक एयर कंडीशन देखिए आप। सर सच में दे दोगे ना? बिल्कुल सर, ये देखिए 360 लैपटॉप, लेनोवो 360 लैपटॉप। कितने का? मात्र 8000 रुपए का लैपटॉप जी। ये देखिए फाइबर पोर्टेबल लेनोवो, 6000 रुपए का मात्र 360 लैपटॉप, 6000 रुपए का लैपटॉप ले जाओ सर, ले जाओ। एक्चुअल लैपटॉप देखिए, न्यू लोगो, मात्र 5000 में लैपटॉप, 5000 में लैपटॉप, बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी लैपटॉप, एकदम A1 कंडीशन। ये देखिए सर एचपी का लैपटॉप देखिए आप, 4000 रुपए का मात्र, 4000 का लैपटॉप घर बैठे मंगा सकते हैं। बिल्कुल घर बैठे मंगाओ, आपको स्टोर पे स्टोर पे आओ या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो, बस 2000 रुपए डलवाओ। और आगे क्या होने वाला है वो तो फिर आपको पता ही चलेगा क्या होने वाला है आगे। सर बताओ तो सही, इसी तरह की वीडियो देख के आपके जो व्यूवर्स होते हैं यूट्यूब के, जितने बेचारे स्टूडेंट लोग हैं इस तरह की वीडियो देखते हैं, ऐसी भ्रामक वीडियोस ये वीडियो देख के वो पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर उन्हें पता पड़ता है कि भाई जो ये 4000 का लैपटॉप बताया गया है उसके अंदर मदरबोर्ड तो रिपेयर करा हुआ मदरबोर्ड है पूरा का पूरा ही, उस लैपटॉप ले करोगे भी क्या? ये वीडियो देख के पहुंचते हो आप लोग। अथर्व भैया आज की एक सच्चाई बताता हूं मैं आपको, मेरे पास हो क्या रहा है, लोग बाग आते हैं बोलते भैया मैंने देखा है वीडियो, 4000 मिल रहा है, कोई दिल्ली में 2000 मिल रहा है, कोई हरियाणा में 3000 का मिल रहा है। भाई खुद चीज सोचो, जो मैकबुक है जिसकी स्क्रीन ही या जिसकी SSD ही 8000-10000 की आती हो, जिसकी रैम ही इतनी महंगी आती हो, या कोई 360 लैपटॉप है जिसकी 8GB रैम और 256GB SSD मिला के 8-10000 कीमत हो गई, वो लैपटॉप 7000-8000 कहाँ से मिल जाएंगे जी? पर ये दिमाग को लगा ही नहीं रहा, वो तो बस रेट देख रहे हैं। रेट के साथ साथ अगर आपको देखना है तो लैपटॉप की क्वालिटी ओरिजिनलिटी देखिए। ये जितने वीडियोस आ रही नहीं है 2000, 3000, 8000, 10000, इसका सच्चाई कोई भी नहीं है, इसके पीछे सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये सच्चाई जाननी है तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, लैपटॉप लीजिएगा, उसको खुलवाइएगा, चेक कीजिएगा, उसके अंदर मदरबोर्ड पूरा रिपेयर मदरबोर्ड है पूरा जी। तो आज आपने जो वीडियो देखा, जो भी प्राइसिंग आपने देखी, और यूट्यूब पर काफी वीडियोज ऑलरेडी इस तरीके बनी हुई है, उसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाया, और ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि अभी आप इसके बाद एक जो सेगमेंट देखने वाले हो वो सर के पास एक कस्टमर आए हैं, बिल्कुल बैठे हुए पर वो बैठे हुए हैं, और उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ कि इनके संग क्या स्कैम हुआ है। उनको देख के मैंने आपसे बात कही थी कि यार ये चीज लाओ अपने चैनल पर जी, और आपको जिनसे जिन भाई से इंस्पायर होकर आज की वीडियो बनाई है, मैं आज उनको एक बार इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप कोई लैपटॉप देखने हैं हमारी शॉप पे। हाँ सर, मैं क्या एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आपके साथ क्या रहा क्या नहीं रहा? जी सर, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके थ्रू उसमें लिखा था कि 8000 में i5 8th generation की लैपटॉप मिलेगी, 556 चोट हो गई है। मैं ऑनलाइन लैपटॉप मंगाया, उन्होंने बोला कि आपने ये लैपटॉप कितने में मंगवाया है? 8000 का है। तो 8000 में तो बहुत अच्छा ही कंडीशन है सर, बढ़िया लैपटॉप तो एकदम एवन कंडीशन है। बात ये हुई ना कि ऊपर से तो कंडीशन बढ़िया थी, अंदर से इन्होंने स्क्रीन टूटी हुई भेज दी, और वो पैसे मैंने क्या, ये लैपटॉप कितने का लिया आपने? 8000 रुपये सर। अच्छा, अरे यार ये स्क्रीन डैमेज आपने मंगवाया था यार? हाँ, उन्होंने 2000 रुपये ले भी लिए थे मेरे, 2000 रुपये आप डाल दो, बाकी आने के बाद डाल देना। यार ये ऐसा भी हो रहा है कि भाई वीडियोस दिखा के इस तरह से इस तरह लूटा जा रहा है? हाँ सर, कि डैमेज स्क्रीन भेज देंगे या ऑनलाइन के नाम पे इस तरह से? हाँ, सस्ते के नाम पर है, सस्ते के नाम पे ही हो रहा है शायद ये। तो मतलब दोस्तों जो मैं कह रहा था आपसे, ये वो भाई है जिनसे इंस्पायर होकर आज की वीडियो बनाई मैंने, जब मैं बता रहा था आपको ये 8000 का लैपटॉप है, 9000 का लैपटॉप है, तो सर इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो भैया एक बात बताइए, फिर आपने दोबारा कैसे रिलाय किया कि भाई दोबारा मुझे एक बार चेक करना चाहिए किसी और स्टोर पर? पहले तो मैं टूट गया था, फिर एक सर थे आरजे अथर्व, आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए इसको, मैंने फिर इनके ऊपर आपकी वीडियो देखी कि हाँ चौहान सर है जो अच्छा लैपटॉप देते हैं, तो आप पे मैं भरोसा करके आया हूँ। आप मुझे देखिए, हमारे साथ और कुछ हो ना हो एक चीज़ पक्की है, अगर आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही है लैपटॉप खरीदने के बाद, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको दूसरा लैपटॉप दूंगा, तीसरा लैपटॉप दूंगा, चौथा लैपटॉप दूंगा, जब तक कि आपका काम पर्पस सॉर्ट आउट ना हो जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मात्र 8000 का लैपटॉप ले जाओ, मात्र 4000 का लैपटॉप ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ जेन्युइनिटी रहेगी, हर पार्ट्स जेन्युइन रहेंगे। इवन आप लैपटॉप लेने के बाद उसको खोल के यहाँ चेक करवाओ या फिर कहीं बाहर चेक करवाओ, किसी लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड रिपेयर्ड होगा, कोई और होगा, हर लैपटॉप जेन्युइन होगा। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखिए, लैपटॉप के मॉडल नंबर पर चलिए, लैपटॉप की कंडीशन पर चलिए, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी पर चलिए, वरना जो आज इस भाई के साथ हो रहा है, ये तो एक चलो इंसिडेंट छोटा सा मुझे सामने मिल गया, वरना ऐसा कईयों के साथ हो रहा है जो कि 2000-3000 के लैपटॉप चक्रों में पहुंच जाते हैं वहां पर, और या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और ये ठगी का शिकार इस तरह से होते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है,
प्लीज आपके हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद मत कीजिए। कोई लैपटॉप देखना हो जेन्युइन टीज देखिए और उसके बाद उसको ऑर्डर कीजिए। कुछ लैपटॉप के मॉडल मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में, और आप ताकि रिलेट देख सकें कि लैपटॉप की रेट्स क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, वो सब चीजों से आपको आइडिया हो जाएगा। आपको दिखा दूंगा और भैया को दिखा दूंगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे हमारे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको काफी सारे रेंज दिखाई लैपटॉप्स के अंदर, और काफी वैरायटी जो है आपको चौहान कंप्यूटर देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके लिए 360 लैपटॉप्स है, टच स्क्रीन लैपटॉप है, साथ में आपके लिए जो बेसिक होती है रिक्वायरमेंट वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चौहान भैया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे व्यूअर्स काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर देख चुके हैं आपकी, तो आप हमेशा कहते हैं कि आपकी जो है स्टार्टिंग सबसे सस्ते और लोवेस्ट रेट से होती है, पर हमारे व्यूअर्स को आज वीडियो में ना ऐसा सेगमेंट दिखाओ जिसमें उनके लिए प्रीमियम भी हो क्वालिटी और उनके हर कॉन्फ़िगरेशन और डिमांड के अकॉर्डिंग सामान उनको यहाँ से मिल जाए। एक्चुअली लैपटॉप का जज होता है, जजमेंट इस तरह से होता है कि सस्ता लैपटॉप इन जाती चीज जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टडी पर्पज से लेना है तो आपको काम होता है 15,000-16,000 के अंदर पूरा, या फिर स्टडी के साथ साथ आपको थोड़ा सा लैविश फील चाहिए, थोड़ा सा रिच लुक चाहिए लैपटॉप में, तो वो रेंज जाती है फिर 20,000 तक की। अगर आपको चाहिए कि अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल की चीज चाहिए तो वो रेंज जाती है 22-23-24 तक की। इस तरह से रेंज डिसाइड होती है। इसके 12,000-15,000 के जो लैपटॉप होंगे उसमें आप स्टडी भी करो अच्छे से, आप काम भी जाते हैं। लैपटॉप दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये लैपटॉप एक फुल साइज लैपटॉप है, फुल साइज आराम से, फुल साइज स्क्रीन है 15.6, आराम से कैसे काम करो जी 15। इसके अंदर न्यूमेरिक कीबोर्ड मिल जाएगा। अगर ये लैपटॉप बात करें तो प्राइस रेंज की बहुत ही नेगोशिएबल होती है, 15,000 के अंदर सेगमेंट वाला लैपटॉप ही है। अच्छा, आप स्टडी कर लो, ट्रेडिंग कर लो, कैसे काम कर लो, जैसा आप करना, ई मित्र का काम कर लो आपका, या फिर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स बच्चों को सिखाने के लिए चाहिए, तो ये लैपटॉप काम में जाएगा आराम से। अच्छा, मुझे आप ही बताइए कि जैसे कि अभी हमारे काफी जो लोग व्यूअर्स हैं, किसी को अपना ई मित्र ओपन करना है, डिजाइनिंग का काम करना है, या स्टूडेंट पर्पस से लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट अपने पास जो है लैपटॉप की कितने से स्टार्टिंग है? वो सब कैटेगरीज अब अलग अलग हो जाती है। अच्छा, जैसे आपने 3-4 काम बताए, अब तीनों चारों काम अपन सोचे एक लैपटॉप में कर दे तो वो पॉसिबल नहीं। मैं बोल दूं कि आ जाओ 10,000 मिल जाएगा, 10,000 जो लैपटॉप मिलेगा उसमें डिजाइनिंग कैसे करोगे? ठीक है, 10,000 जो लैपटॉप मिलेगा उसमें कोडिंग कैसे करोगे? पर लोगों के पास क्या होता है, मिथ बन जाता है कि भैया 10,000 का लैपटॉप दे दो उसमें कोडिंग कर लूंगा, संभव ही नहीं ना। अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो आपको स्क्रीन साइज ही बड़ा अच्छी, तो आप बड़े स्क्रीन साइज पे जा सकते हैं। अच्छा, अपने पास सर मैं देख रहा हूँ लैपटॉप तो काफी वैरायटीज अपने दिखाते ही है, कुछ कुछ आप मुझे ब्रांड्स लैपटॉप दिखा दीजिए पहले कि क्या क्या लैपटॉप के ब्रांड अपने पास है और किस जनरेशन के लैपटॉप है। ये HP i5 6th जनरेशन, 8GB RAM, 256GB SSD, ठीक है। अब एक मेन चीज बता दूं मैं आपको, i5 6th जनरेशन की रेट, i5 6th जनरेशन, i5 8th जनरेशन या i7 8th जनरेशन, इसमें मत जाओ। आप सिर्फ एक ही चीज पे जाओ, आपका वर्किंग मोड क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है। जैसे मांगे चले एक i5 8th जनरेशन लैपटॉप है, मात्र मैं आपको लैपटॉप जो प्राइस है i5 6th जनरेशन प्राइस दे दूंगा लैपटॉप में, वो 6th जनरेशन प्राइस में i5 8th जनरेशन लैपटॉप। अच्छा, आप मुझे बताइए ऑनलाइन से अगर कंपेयर करके आते हैं आपके यहाँ प्राइसिंग की, तो कितने परसेंट ऑफ लेस लगभग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो ऑनलाइन चेक करते हो, जिसमें बात करूँ लैपटॉप एक आता है, यही लैपटॉप लो, ये लैपटॉप है, ये प्रीमियम लैपटॉप है। हालांकि इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो एक एग्जांपल के तौर पर ये लैपटॉप है, ये 1,90,000 का नया लैपटॉप होता है। ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन इसकी रेट जा रही है 51,000 अपने स्टोर पर, 51 मतलब इसे बहुत ही रीजनेबल चीप रेट में लैपटॉप मिल जाएगा आपको, मुश्किल से मुश्किल 38-40 की रेंज मिल जाएगा लैपटॉप ये। अब डिपेंड करेगा कि आपको सब पर्क्स क्या क्या चाहिए, एडिशनल क्या क्या पर्क्स चाहिए, जैसे कि ये लैपटॉप काफी हाई कॉन्फिगरेशन का हो गया, बहुत खतरनाक चीज है। एग्जाम्पल दिया है, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, कोई भी लैपटॉप ले लो, मान के चलिए लैपटॉप ले लीजिए, अभी लैपटॉप है ये लैपटॉप प्राइस आप चेक करो, ये मात्र आपको लैपटॉप मिल जाता है 16,500 रुपए का, i5 8th जनरेशन लैपटॉप होता है, 8GB RAM, 256GB SSD और एकदम अल्टीमेट कंडीशन। ये देखिए कंडीशन तो भाई अल्टीमेट होने वाली है, ये इस रेंज में i5 6th जनरेशन बिकता ही है, अपने मात्र एक रेट रहने वाली 16,500 लैपटॉप मिल जाएगा आपको, 16,500 में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैकबुक की भी काफी डिमांड आ रही थी कि मैकबुक में सर दिखाओ हमें, प्रो सीरीज दिखाओ, एयर सीरीज दिखाओ, तो ये जो मैकबुक प्रो है इसका की फीचर क्या है? मेन तो मेन की फीचर तो यही है, अपन जब लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते हैं जो एड्स आते हैं, जो स्किप का ऑप्शन होता है, वो एड्स वगैरह सारी यहीं से स्किप होते हैं टच बार से। अच्छा, इस टच बार का मेन फीचर ही यही है कि यहाँ से जो भी एड वगैरह हो कुछ भी आप कंट्रोल कर लो इसके अंदर। और बिल्ड क्वालिटी वैसे इसके आगे कुछ है ही नहीं, कैसे डिजाइनिंग काम कर लो, कैसे एडिटिंग काम कर लो, कुछ भी काम कर लो इसके आगे तो जी।
कैसा ही काम करो आप, टच बार मिल रहा है, एडिटिंग पर्पस से बेस्ट है, प्रोसेसर काफी हाई मिलते हैं आपको जितने आपका बजट आपका इंक्रीज होता है। अच्छा जनरेशन की बात करें, जनरेशन में पास कितने से कितने जनरेशन तक के लैपटॉप अपने पास? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ। यही खेल आपके जो व्यूवर्स यूट्यूबर्स यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूबर्स वीडियो तो बना रहे हैं पर वो क्या रहा है, लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो उनको जनरेशन का आइडिया पा रहा है, बस उन्होंने क्या पकड़ लिया i5 लैपटॉप। अब i5 लैपटॉप है भाई, जनरेशन भी होती है। अच्छा 8GB 256GB वो तो समय मिल जाएगी, जनरेशन नहीं पकड़ोगे, मॉडल नहीं पकड़ोगे तो वही होगा जो अभी अभी एक भाई के साथ हुआ था। जी जी। अच्छा, वीडियो इसके अलावा अगर किसी को SSD अपग्रेड करवाना है, इसकी स्टोरेज बढ़ानी है, ये लैपटॉप में अगर आप चाहो तो कस्टमाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको लग रहा है कि 512 SSD होना, वो 512 हो जाएगी, आपको लग रहा है 256GB होना, 256 आ जाएगी, रैम अपग्रेड हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी, उसको दिक्कत नहीं है। बस चीज यही है कि आपकी जरूरत क्या है, बस उससे मत जाओ कि सबसे सस्ता लैपटॉप। अच्छा मान लो आज मुझे ये लैपटॉप 16,500 का पसंद आया, हो सकता है आने वाले टाइम पे मेरे काम और वजह बढ़ने वाले हो, क्योंकि जब कोई काम स्टार्ट करता है तो पता नहीं होता कि सर कितना आगे और उस पे काम आने वाला है। आप रैम बढ़वा लो उसके अंदर, रैम बढ़वा सकते हो बिल्कुल, उसके लिए अच्छा, हमारे स्टोर में व्यवस्था है, अलग जगह है। और मुझे इतना 7 to 8 days हो गए आपसे लैपटॉप खरीदे हुए और मुझे चाहिए कि सर मुझे और कोई पसंद आ रहा है। 8 दिन में तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, आप आ जाओ, ये लैपटॉप दीजिए, आपने ये लैपटॉप ले लिया, आपको 7 दिन बाद रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा काम इस पे नहीं बन पा रहा, ये लैपटॉप मुझे वापस देके जाओ। अच्छा आपको प्रो लग रहा है प्रो लो, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप खाली पे करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है 5 से 6 दिन आपके घर पे रहेगा, टेस्टिंग वारंटी रहेगी, 6 मंथ सर्विस वारंटी रहती है, वो अच्छा, तो मिलती है 6 मंथ वारंटी सर्विस की रहेगी बिल्कुल। उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं सर? सर सर्विस मांगे चले, हम लैपटॉप लिया आराम से, ड्राइवर उड़ गया कोई सॉफ्टवेयर का, अच्छा कोई डिस्प्ले ड्राइवर उड़ गया, कोई वीजीए उड़ गया, कोई लेन ड्राइवर उड़ गया, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर उड़ गए, या आपको विंडोज अपग्रेड करानी है, या फिर आपके लैपटॉप को जिसकी 6 महीने हो गए तो हर 3 महीने लैपटॉप सर्विस हो जाए बेस्ट रहता है। वो लैपटॉप सर्विस करवाना है, पेस्टिंग करवानी है उसकी, वो सारे काम सर्विस में काउंट होते हैं जी। तो भाई इसमें आपको जो है सर की तरफ से इतनी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा सर मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग जो है ना यूट्यूब पर गिफ्ट देते हैं लैपटॉप के साथ, वो पॉलिसीज अपने साथ भी है क्या? बिल्कुल सर, जो मैंडेटरी जो कि एसेंशियल चीजें हैं जैसे कि बैग हो गया, कीबोर्ड गया, माउस हो गया, या क्लीनिंग किट हो गई, ये सब चीज तो मिल जाएंगी, लेकिन जो अजीब चीज होती है ना कोई वॉच वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं हो ना भाई, ये सारे गिफ्ट ना ले देखिए आप ही के लैपटॉप में ऐड होने वाला है बिल्कुल। वो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादा दिन चलते भी नहीं है, कोई मतलब और भी नहीं है। कोई आपके लिए, आप जब चीज लेने आए हो, आपको लैपटॉप चाहिए आप लैपटॉप लो, कॉन्फ़िगरेशंस देखो, अपनी रिक्वायरमेंट आप देखो, गिफ्ट तो सर क्या है मार्केट में बाहर भी मिल जाएंगे बिल्कुल सर, आपको लैपटॉप लेना ही है तो लैपटॉप लीजिए, कस्टमर ही बेयर करते हैं। अच्छा अपनी तरफ से जो है चौहान कंप्यूटर्स का एक बैग मिल जाता है, साथ में माउस कीबोर्ड मिल जाता है, क्लीनर मिल जाता है अपन को बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बैग काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का होने वाला है, तो ये आपके लिए एक बेसिक आपके लिए चीज है कि यार आप लैपटॉप लेके जा रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप बैग भी होना चाहिए कैरी करने के लिए, माउस होना चाहिए, और सर के पास आपको चार्जर जरूर मिलेगा सर बिल्कुल, ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल चार्जर और चार्जर का कीबोर्ड माउस तो ऐसा है कभी भी आपको लगे ना चार्जर वार्जर तो एक ही जगह 2 महीने बाद कोई तकलीफ तो भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप तो बता दो कि अगर हमारे व्यूवर्स ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी देख रहे हैं, घर बैठे मंगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या सुविधा है अपने पास? आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और 20 किलोमीटर की रेडियस में अगर जयपुर में आप है तो 20 किलोमीटर तक COD मिल जाएगा, कुछ अमाउंट 50% एडवांस और 50% COD पर। और अगर आप बाहर से तो प्रीपेड डिलीवरी हो जाएगी, और आपका जो लैपटॉप पैक होता है पहले वीडियो शूट होता है, वीडियो शूट होकर आपके पास आता है लैपटॉप, उसके बाद वो आपके पास पहुंचता है लैपटॉप चेक होने के बाद में। तो लेनोवो का थिंकपैड सीरीज आपको मिल जाएगी, डेल की काफी सारी इनके पास सीरीज आई हुई है छोटे, अगर इस तरह वीडियो में काउंट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो गाइस कलेक्शन बहुत सारा बस है, आप स्टोर पे आओ देखो समझो चीज को उसके बाद लो, जब तक आपको ना लगे चीज ढंग की है या जब तक आप ना लगे कि यार ये ट्रस्टेड है नहीं है उसके बाद जज करके लो लैपटॉप। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है अपनी शॉप की अगर कोई चाहते हैं ऑफलाइन विजिट करना? 10 से लेकर 8 बजे तक, सुबह 10 से 8 और संडे को 10 से लेकर 3 बजे तक जी। अच्छा और ये आपका प्रॉमिस है कि कोई भी हमारे वीडियो देख के आता है, स्क्रीनशॉट लेकर आता है, सब्सक्राइब करके आता है तो उनको जो है वो सरप्राइज गिफ्ट देते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी चीज हमारे एक ही रहती है कि आपके जितने व्यूअर्स है आपको जितने व्यूअर्स आपके आएंगे जितने व्यूअर्स आते हैं कभी भी उनके साथ ये नहीं होता है कि 7 दिन की जो पॉलिसी चलती है कि 7 दिन लैपटॉप यूज करो, हम उनको लैपटॉप रिप्लेस करके देते ही देते हैं अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो जी। और पीछे आप देख सकते हो कि बॉक्सेस के अंदर जो है ब्रांड न्यू कंडीशन के लैपटॉप्स रखे हुए हैं, डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो, डिस्प्ले काफी अच्छी इनकी बनी हुई है, तो आपको जो है हर लैपटॉप के ऊपर इनकी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी, प्राइसिंग डिटेल्स आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई
कस्टमर आया उसको 10,000 बताया, आगे को 12,000 बताया, इस काउंटर पे जो क्राउड चलता है ना, आप देखना कभी भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना, चौहान CHAUHN चौहान _COMPUTER कंप्यूटर _JPR, ये मेरा इंस्टा चैनल है, लिंक आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना और देखना कि जो क्राउड चलता है उस क्राउड में संभव ही नहीं है कि सबकी रेट अलग अलग होगी, हर लैपटॉप की आईडी नंबर है और सबको सेम रेट चलती है। और साथ में आप चाहो शॉप पर आओ तो आप इसमें देख सकते हो i7 है, कितने जीबी रैम है, 16 जीबी, वो आप खुद से देख लो, सब पे लिखा होता है। प्राइसिंग की भी आपको डिटेल जो है इस पर पीछे स्टिकर लगा हुआ है, प्राइसिंग भी पता लग जाएगी। तो ओवरऑल ये है कि सर बहुत अच्छी आपकी शॉप है, कलेक्शन काफी आप नया रखते हैं और 7 से 8 दिन के अंदर जो है भी अपन प्राइस बताएंगे छोटी छोटी चीजों की, वो अपने चलती रहेंगी, 7 से 8 दिन तक वेल्ड रहेगी प्राइसेस, क्योंकि क्या होता है प्राइसेस फिर अप डाउन होती है उसके बाद में। तो आप लोग कॉल पे सर से बात करके आ सकते हो और WTP से मात्र 10 मिनट के 5 मिनट की दूरी पर है, वो अभी वीडियो दिखा देंगे, छोटा वीडियो डाल देंगे भी आपको। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं WTP पे और अपन यहाँ पर जो मेन फेमस जगह है WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वहाँ से चौहान कंपनी की लोकेशन बताएंगे आपको, जो मुश्किल से ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर 300 मीटर 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टिप्पी अब मैं दिखाता हूँ आपको चौहान कंप्यूटर का रास्ता, चलते हैं सर, चलते हैं सर, आ जाइए चौहान कंप्यूटर वाले रास्ते पे जहाँ पर। तो अब ये पड़ता है जेलैंड मार्ग का फर्स्ट लाइट आएगी, फर्स्ट लाइट से अपन को लेफ्ट लेना है, जो रास्ता मैं भी दिखाऊंगा वहाँ पर आपको सीधा गिरधर मार्ग पकड़ना है। गिरधर मार्ग टिप्पी से अपन आगे आते हैं तो ये पहली लाइट आती है, उस लाइट क्रॉस करके अपन को आगे जाना है फोर्टिस हॉस्पिटल और लेफ्ट में जैन पैक पड़ता है। अभी आगे सीधा गिरधर मार्ग ये दिखा हुआ, गिरधर मार्ग का बोर्ड दिख जाएगा आपको और इसी रोड पे अपन को सीधा चलना है, कहीं नहीं रुकना, अपन को सीधा चलना है। अकेला होटल आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे, आपको उसे सीधा चलना है। तो कितना मीटर सर ड्राइव करके चलना है हमारे को आगे? अभी यहाँ से मुश्किल से अपन को 1 किलोमीटर होगा। अच्छा 1 किलोमीटर होगा, वहां पर आपको चौहान कंप्यूटर का बोर्ड दिख जाएगा आपको लेफ्ट हैंड पे, बाकी मैं आपको लैंडमार्क समझाता हूँ, चलता हूँ। तो कहीं नहीं मुड़ना आपको, तो स्ट्रेट चलना, सीधा चलना, ये रोड छोड़ना ही नहीं है अपन को, जो फेमस हॉस्पिटल है इसी लैंडमार्क पे आया गिरधर मार्ग पे, ये उल्टे हाथ पे गया हॉस्पिटल, उल्टे हाथ पे फिर आते हैं अपना गणेश ढाबा, करण तंदूरी ढाबा, उससे भी अपने आगे चलते जाएंगे, फिर आगे आएगा द ग्रैंड अंशुल होटल, वो देखिए अपने उल्टे हाथ पे। अपन को इधर सीधा चलना है इसी रोड से, लेफ्ट में उधर नहीं मुड़ना, इस रोड को छोड़ना ही नहीं, सीधे चलते जाइए और फिर अपने आगे आएगा जिस इस रोड का नाम गिरधर हॉस्पिटल की वजह से पड़ा है। तो ये देखिए अभी आगे आएगा गिरधर हॉस्पिटल अपने उल्टे हाथ पे, ये देखिए गिरधर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये गिरधर हॉस्पिटल है, इसी के नाम पर गिरधर मार्ग पड़ा है। और आगे जाके अपना चौहान कंप्यूटर आ जाएगा, सीधे हाथ पे देखिए पावर फिट जिम आएगी, हांडी रेस्टोरेंट आएगा, ये दिख रहा हो आपको पावर फिट जिम है। और उसके आगे आते मिड नाइट वेगस का बोर्ड दिखेगा, ये 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसी में चौहान कंप्यूटर है सर, वहां पर चलिए। तो यही है सर चौहान कंप्यूटर? बिल्कुल सर यही है, आप बिल्डिंग देख लो 5 मंजिल की बिल्डिंग है, शाम एसोसिएट्स करके FPF कॉफी भी आपको देखने को मिलेगी, इंडियन बैंक के 32 से पहले रुकना अपन को जी। और 32 अगर सर आगे से कोई आ रहा है तो सर 32 अगर आगे से आ रहा है कोई तो जैसे गिदर मार पकड़ो, गिदर मार पकड़ते ही सीधे हाथ पे अगर अपन दौसा से कहीं से भी आते हैं, दौसा बेल्ट हो गया या भरतपुर करौली किधर से भी अपन आते हैं तो वहां पर सीधे उतरो आप ट्रांसपोर्ट नगर सीधे उतरेंगे तो वहां से सीधे टेम्पो मिलते हैं, उस टेम्पो में बैठिए नंदपुरी बाईपास के लिए। और ये देखिए सबसे फेमस जगह है अपेक्स सर्किल ट्रांसपोर्ट नगर से, अपेक्स सर्किल से आप आगे आओगे तो बालाजी मोड़ आएगा, अपेक्स सर्किल से सीधा चलते हैं। देखिए ये है रेड लाइट, यहाँ पर रेड लाइट पर इसे बोलते हैं बालाजी मोड़ से सीधे अपन चलेंगे नंदपुरी बाईपास की तरफ। तो इस रोड को कहीं छोड़ना नहीं है, अपन को सीधे ही निकलना है, ना लेफ्ट हैंड पे जाना है, अपन को सीधे ही निकलना है जो नंदपुरी बाईपास तरफ जाएगा। और की लाइट है, लाइट से अपन को सीधा ही चलना है, लेफ्ट में कहीं नहीं मुड़ना, लेफ्ट में अपन को सीधा ही चलना है बालनगर की तरफ। अब चलते हैं अपन नंदपुरी बाईपास की तरफ। तो देखिए सर दोस्तों बालाजी मोड़ बाद ये लाइट आती है, उस लाइट को क्रॉस करके अपन को सीधा चलना है नंदपुरी बाईपास तरफ। ये पुलिया देख रहे हैं आप, ये आपको सामने पुलिया है, इस पुलिया को क्रॉस करके सीधे 32 की तरफ जाएगी और आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आ गए हैं नंदपुरी बाईपास जिसे बोलते हैं, सामने आपके लाइट है, इस लाइट से इसको भी बोलते हैं नंदपुरी बाईपास पहुंचते हैं अपन को राइट में लेना है, सीधे नहीं जाना, अपन को लेना है राइट में, सीधे जाओ जवाहर सर्किल पहुंच जाओगे, राइट में ही चौहान कंप्यूटर आएगा जो गिरधर मार्ग बोलते हैं जिसे।
शिवपुरी बाईपास से राइट टर्न, ये देखिए राइट टर्न लेते, इसे बोलते हैं गिरधर मार्ग। मेन गिरधर मार्ग की लोकेशन है, लाइट से सीधे अपन चले गिरधर मार्ग पहुँचते, आपको सीधे आप देखो गिटार दिखेगा, मिडनाइट वेगस बियर बार, ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है, 5-6 मंजिल की, उसके अंदर अपना चौहान कंप्यूटर देखिए, देखिए एफपीओ कॉफी वाला है, एफपीओ कॉफी के जस्ट बगल में अपना चौहान कंप्यूटर इंडियन बैंक है, ये देखिए अपना चौहान कंप्यूटर पर अपन पहुँच गए। बहुत गंदी।